हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज आप मैं देखिए आपको दिखा रही हूँ फर्टिलाइजर मैं तैयार कर रही हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा छलनी की डंडी से ही थोड़ा सा इसको हिला रही हूँ, जो कि बीच में अच्छी तरह से जो इसके प्लांट के जो छिलके जो मैंने छिलके डाले हुए हैं वो अच्छी तरह से इसको जब हम प्लांट को डालने के लिए तैयार करते हैं थोड़ा सा इसको हिला लें, जो भी इसमें अच्छी तरह से घोल तैयार हो जाए। क्योंकि इसको हम ज़्यादा नहीं, सिर्फ 24 घंटे के लिए, कल सुबह मैंने इसको भिगोया था और आज सुबह मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 24 दिन घंटे में ये तैयार हो जाता है हमारा फर्टिलाइज़र है। अगर ज़्यादा दिन रखें गर्मियों में तो इसके ऊपर फंगस जी बन जाती है, तो उस तरह से वो फिर जो कीड़े वगैरह बन जाते हैं इसमें, तो फिर काफ़ी दूसरे प्लांट ख़राब होने का खतरा रहता है मेरे को। तो मैं ज़्यादा का ऐसे ही डालती हूँ कि मैं कोई फंगस वगैरह ना लगे, तो मैं 24 घंटों में इस लिक्विड को तैयार करके प्लांट को डाल देती हूँ। तब मेरे पास कई प्लांट, जैसे मेरे पास सेकुलर प्लांट को छोड़ कर बाकी मैं सभी प्लांट को, किसी भी प्लांट को आप दे सकते हैं, या किसी भी प्लांट को ये नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि हमारा घर में ही बना हुआ ये फर्टिलाइज़र है। इसमें हमें पता है हमने क्या डाला है जो हमारे प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाते, तो ताकि हमारे जो प्लांट है काफ़ी हेल्दी रहते हैं इसके साथ और काफ़ी अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो इस तरह से आप घर पर ही इसका फर्टिलाइज़र तैयार कर अपने प्लांट को डाल सकते हैं। तो ये मैंने देखिए इसमें एक कप तैयार हुआ है जो निकल रहा है, इसमें से मैंने जो इसको निकाला है तो ये आधा लीटर का से थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। तो उसमें थोड़ा सा जो प्लास्टिक का मग होता है वो है मेरे पास, तो इसमें जो दूसरा है उसको भी मैं छान के अच्छी तरह से इसको डाल दूँगी जितना भी इसमें डलेगा, क्योंकि 5 लीटर मेरे पास पानी है। तो 5 लीटर में ज़्यादा नहीं तो डेढ़ लीटर है इसमें मैं डाल दूँगी, आधा लीटर बाद में डाल दूँगी बीच में मैं ला के, तो नहीं तो ऐसे भी डाल दूँगी क्योंकि इतना तेज़ नहीं है ये, काफ़ी ही ठंडा है और प्लांट को ज़्यादा हानि भी नहीं पहुँचाता। तो इस तरह से मैं इसको फर्टिलाइजर को छान के तैयार कर लूँगी, और साथ में जो हमारे बीच में से जो सब्ज़ी वगैरह जो निकलेगी इसमें जो भी मैंने डाला हुआ है, तो उसका हम कंपोस्ट तैयार कर लेंगे, वो कंपोस्ट के काम में आ जाएगा और इससे हमारा फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें देखिए मैंने 1.5 कप कम से कम भी 1 लीटर जो है इसमें मैंने डाल दिया है। तो इस तरह से एक बाल्टी पूरी ये तैयार हो चुकी है मेरी। तो अब मैं इसको प्लांट को डाल दूँगी, किसी भी प्लांट को आप डाल सकते हैं सेकुलर प्लांट को छोड़कर, तो जो मेरे पास यहाँ पर प्लांट है मैं सभी में डाल दूँगी इसको। तो इस तरह से अगर आप ही फर्टिलाइज़र बना के डालना चाहते हैं तो देखिए ये है मेरा जो इसमें से निकला है जो बीच में से मैंने डाले हुए थे, तो इसको मैं जहाँ भी मैं कंपोस्ट बनाती हूँ वहाँ इसको मैं डाल दूँगी, तो ये वहाँ डाल दूँगी और इसका फिर मैं फर्टिलाइज़र जो है प्लांट को दे दूँ। तो दोनों चीज़ें हो जाती हैं, जैसे फर्टिलाइज़र भी बन गया हो हमारा कंपोस्ट भी बनता रहेगा साथ में। तो इस तरह से आप घर में कहीं सब्जियां वगैरह कुछ भी लेकर आते हैं तो उसका फर्टिलाइज़र तैयार करके किसी भी चीज़ का आप बना के डाल सकते हैं, क्योंकि प्लांट में जो हमारे घर की सब्जियां होती हैं जहाँ प्याज वगैरह होते हैं, तो हमें पता होता है कि ये ज़्यादा तेज़ नहीं है फर्टिलाइज़र, तो हम प्लांट को आसानी से दे सकते हैं। तो इस तरह से मेरे पास ये जो है प्लांट है मेरा एरिका पाम है, और साथ में ही इसका गुड़हल का है उसमें डाल दूँगी, और साथ में मेरे इसके जो है कड़ी पत्ता उसमें डाल दूँगी, एक नाग का पेड़ है जो इसको बोलते हैं नागदौन का, तो उसमें भी डाल दूँगी। इस तरह से जो मेरे जितने भी प्लांट हैं, मैं और भी मेरे प्लांट हैं बोगनविलिया या वहाँ जितना भी वहाँ पे अश्वगंधा जो भी प्लांट है सभी प्लांट में ये डाला जा सकता है, और बहुत ही ज़्यादा ये तेज़ नहीं होता और प्लांट को हानि भी नहीं पहुँचाता, और काफ़ी प्लांट को हेल्दी और स्वस्थ रखता है और ठंडक पहुँचाता है, और साथ में ही प्लांट इसमें काफ़ी अच्छी ग्रो करता है। ये देखिए कार्टोना का प्लांट है मेरा, तो मैं इसमें भी डाल रही हूँ। कोई भी प्लांट है आप किसी में भी डाल सकते हैं सेकुलर प्लांट को छोड़ के। तो इस तरह से जो भी मेरे यहाँ पे प्लांट है सभी को मैं इसको दूंगी। तो आप भी इस तरह से घर पे जो भी सब्ज़ी काटते हैं वही डाल के इसका फर्टिलाइज़र आसानी से तैयार कर सकते हैं, और मैं तो रोज़ डेली ही जो सब्ज़ी काटती हूँ उसका फर्टिलाइज़र इस तरह से तैयार करती रहती हूँ। तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी इसके ऊपर, फर्टिलाइज़र के ऊपर। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।